ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक अनुभव और आनंद का संग्रह है, और इसके लिए आपको महादेव जी की साधना, उनके वचनों का पालन और ध्यान की महत्वपूर्णता को समझने की ज़रूरत होगी। न तो इस जीवन में केवल सुख है, ना ही दुख है, लेकिन साधारणता हमें सुखी और खुश जीवन गुजारना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में खुशी जीवन जीने की कला को जानेंगे और महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के तरीके जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों, खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है जो व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह समझना चाहिए खुशी एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन का विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक भावनाओं, संतोष और पूर्णता की मिश्रितता का परिणाम है। खुशी पाने का एक तरीका है सृजनात्मकता का अभ्यास करना। प्रतिदिन कुछ समय निकालें और विचार करें कि आप किसके लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो आपके जीवन में लोग हों, आपकी प्राप्तियां हों या सरल आनंद हो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर हमारे मन को पिछले क्षणों की यादें या भविष्य की चिंताएं व्याप्त कर लेती हैं। सच्चिदानंद में अभ्यास करके उसे मौजूदा क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहकर आप शांति और संतोष की भावना को पैदा कर सकते हैं। आध्यात्मिकता को गले लगाएं। महादेव जी हिंदू धर्म में एक पवित्र देवता हैं, जिनको शक्ति, परिवर्तन और ज्ञान की गुणवत्ताओं से जोड़ा जाता है। ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप जैसे आध्यात्मिकता अभ्यासों को अपनाकर आप अपने आंतरिक आत्मा से जुड़कर और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जीवन में संतुलन की तलाश करें। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में जैसे काम, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन की कोशिश करें। आत्मा देखभाल को प्राथमिकता दें, सीमाएं तय करें और वो गतिविधियों का समय निकालें जो आपको खुशी और पूर्णता दिलाती है। सकारात्मक प्रभावों के साथ अपने आप को घेरें। आपके चारों ओर वो लोग आपकी खुशी पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। सहायक और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ अपने आप को घेरें जो आपको उत्तेजित करते हैं और प्रेरित करते हैं। ध्यान दें, खुशी पाने का एक व्यक्तिगत यात्रा है और यह अन्वेषण और आत्म परिवेशन की आवश्यकता हो सकती है। महादेव जी के उपदेशों और मूल्यों को शामिल करने से आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सकती है जब आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महादेव जी की साधना और वचनों का पालन करने से हम अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी और दूसरों की सभी भावनाओं को स्वीकार करें। मौन ध्यान का अभ्यास करें। स्वाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान दें। संतुष्ट रहें और महादेव जी की साधना का अभ्यास करें। इन सबके माध्यम से हम खुशी और समृद्धि को प्राप्त करेंगे और जीवन को आत्मीयता, आनंद और शांति से भर देंगे। दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।